Very good morning, everyone. Today we are going to discuss the topic regulation of gene expression. What is regulation of gene expression? So, ध्यान से सुनिएगा. This topic is most important because one or two questions came every year in your medical entrance exams. Okay. So now start regulation of gene expression. क्या होता है? Anybody बता. इसका चार फंक्शन होता है. बेटा कोई भी सेल आप लो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोट्स में आप ले लो या प्रोकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में देखेंगे तो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, आप देखते हैं हमारे सेल के भीतर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के भीतर क्या होता है, क्या होता है, डीएनए होता है. डीएनए के भीतर जीन, क्रोमोजोम, ये सब आपको देखो मिल. ये सेटअप जीन और ये सेटअप क्रोमोजोम से जो होता है, ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो, उसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो बेटा पहले देखेंगे क्या ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शनल लेवल मतलब क्या बेटा, एक डीएनए से आरएनए बनाने में मदद कर रहा है कि डीएनए से आरएनए बनाने में मदद होगा कि नहीं. फिर ट्रांसलेशन अगर बोलेंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, क्या बनता है, एमआरएनए टू प्रोटीन बनता है, ऐसे हम देखेंगे. फिर सेकेंड में क्या है, कब जीन एक्सप्रेशन काम करता है, प्रोसेसिंग लेवल, स्प्लाइसिंग के भी. जब भी बेटा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहां पे कौन सी आरएनए बनता था बेटा, एचएन आरएनए बनता था. कौन सी आरएनए बनते थे, एचएन आरएनए बनते थे, एचएन आरएनए, हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए और हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए. तो वहां पे हमें कैपिंग और स्प्लाइसिंग करना पड़ता था ना बेटा, क्यों, क्योंकि वहां पे एक्सन और इंट्रंस दोनों होते थे. तो एक्सन इज द कोडिंग सीक्वेंस, इंट्रंस इज द नॉन कोडिंग. So, non-coding कोई एक्सप्रेस रोल प्ले नहीं करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में. तो अपन को क्या करना होता है, non-coding sequence जो entrance होगा उसको remove करना है hnRNA से. So, removal of entrance from hnRNA. This process is called splicing. What is this? Splicing. और capping में हम क्या करते थे बेटा, 5-SNP-5-methyl guanosine triphosphate को हम लोग ऐड करते, ठीक है, ताकि splicing में वो इंपोर्टेंट रोल प्ले करे. इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. अब एमआरएनए कैसे मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, कहां, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में. तो बेटा कोई भी एक सेल है, मान लीजिए दिस इज सेल, ये सेल के भीतर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और सेल के बीच में जो है स्पेस है, इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे. क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे. क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे इसको. क्लियर ऑल ऑफ यू. तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फिर ट्रांसलेशनल लेवल कैसे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होता है. तो देखो यहाँ पे मान लीजिए बेटा कोई भी ह्यूमन का एक जीन ऑफ द डीएनए मिला, क्या मिला आपको, जीन ऑन डीएनए, डीएनए से आपको जीन मिला. आप उसी डीएनए से जो आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, तो वहां पे आपको मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, अरे एमआरएनए मिलेगा या एचएनआरएनए, एचएनआरएनए मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में जब भी एचएनआरएनए मिलेगा तो एचएनआरएनए से आपको क्या बनाना है, ट्रांसलेशन के लिए एमआरएनए बनाना होगा. क्या बनाना होगा, एमआरएनए बनाना होगा. तो एचएनआरएनए से, तो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा कि नहीं. स्प्लाइसिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम एचएनआरएनए. आप इसके बाद एमआरएनए बनने के बाद क्या बनाओगे, फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं. तो ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, देखो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं एमआरएनए, और प्रोटीन बना कि नहीं, बोलो एमआरएनए न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन बना कि नहीं, देखो. क्लियर, लेट्स नाउ, आई एम गिव यू वन एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंड.
तो देखो रेगुलेशन अब जीन एक्सप्रेशन में कैसा एक छोटा सा सेल से लेकर ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू सिस्टम ऑर्गन सर्गन सिस्टम और एक ऑर्गेनिज्म से डेवलपमेंट होता है। मान लीजिए वो सेल कैसा बनता है, वो सेल भी तो बनने में तो वहां पे क्या होता है, सेल साइकिल सेल डिवीजन होता है कि नहीं, तो कैसे होता है उसमें भी तो डीएनए चाहिए न्यूक्लियस चाहिए। तो मान लीजिए दिस इज डीएनए, ये वाला कंसेप्ट को आप देखो, दिस इज डीएनए, ये डीएनए से कैसे मतलब एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बना, इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई कि नहीं रे, हुई कि नहीं, ये जो डीएनए से एक ह्यूमन बीइंग बना एक ऑर्गेनिज्म बना इसके अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम या जीन काम किया कि नहीं, वो जीन एक्सप्रेस किया कि नहीं इसको, वो जीन एक्सप्रेस क्या बोल के तो इतना बड़ा हुआ। मान लीजिए आपकी मम्मी पापा शादी के आज आप बने हो तो उनका कुछ जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं आपके अंदर, कर रहे हैं बोल के कुछ कैरेक्टर उनके जैसा है आपका सिमिलर है। सेकंड में अगर देखेंगे आप भी नॉर्मल हो, अगर कहीं जीन आपकी एक्सप्रेस नहीं कर पाता ठीक से तो आपका एम नॉर्मल चाइल्ड भी बन सकते थे। इज इट क्लियर व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू? वेरी गुड। सो यहाँ पे देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मेटाबोलिक फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। ये तीनों कंडीशन को थेरी करता है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करने के लिए, आपकी मेटाबॉलिज्म क्या, आपकी फिजियोलॉजिकल क्या है, आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन क्या। हर स्थिति के अकॉर्डिंग ये एक फैक्टर है, इसी स्थिति के अकॉर्डिंग वो जीन एक्सप्रेस करेगा खुद में उसको क्या करना है या नहीं करना। जैसे 4 साल की लड़की का केसेस में क्या हुई थी, एडीए डेफिशिएंसी हुई थी, हुई थी कि नहीं, एडिनोसाइन डीएमिनेस डेफिशिएंसी, जीन थेरेपी में आप लोग पढ़े हुए होंगे बायोटेक्नोलॉजी। सो बेटा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, I give you example of E. coli. So in E. coli इसे क्या है? Escherichia coli, ये बैक्टीरिया में क्या है बेटा? बैक्टीरियम होता है। अब अगर ये बैक्टीरियम में देखेंगे तो बैक्टीरिया के केसेस में देखेंगे तो आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम मिलेगा। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम का काम क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोलाइज करके वो क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा और गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा रे? लैक्टोज को तोड़ेगा और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाएगा। द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज टू फॉर्म द ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इज इट क्लियर? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस का काम। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेस और एक हाइड्रोलिस एंजाइम। इसके बाद एब्सेंस ऑफ लैक्टोज अगर होगा तो द सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड कैन बी स्टॉप। अगर वो बैक्टीरिया के पास बीटा अगर एब्सेंस होगा लैक्टोज तो वहां बीटा गैलेक्टोसाइड क्या सिंथेसिस करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये सब के बारे में देखेंगे। फिर देखिए एक डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट आज ए सेवरल रिजल्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सो हियर सेवरल सेट ऑफ जीन कैन बी हुआ, मतलब कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है और एक एम्ब्रियो बन रहा है और एक एम्ब्रियो से कैसा एक एडल्ट बन रहा है, तो ये क्या है, जीन एक्सप्रेशन है। यहाँ पे सेट ऑफ जीन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर? वेरी गुड। यस सर। ये जो डायग्राम दिखा रहा हूं यहाँ पे दो चीज आप देख लेना, ये पेट्री डिश है। क्या है? पेट्री डिश कहते हैं। क्या है? पेट्री डिश। हाँ, पेट्री डिश में हम लोग क्या करते हैं बेटा, बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। क्या करते हैं? कल्चर करवाते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो बैक्टीरिया को कल्चर और ग्रोथ करवाइएगा एक मीडियम में तो क्या होगा बेटा, वहां पे अगर कोई भी सब्सट्रेट अगर एड कर दीजिएगा, मान लीजिए चीनी एड किए, कुछ भी एड, तो बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ तो मिल जाएगा, ग्लूकोज हो या सुक्रोज, तो क्या करेगा, क्या करेगा वो, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा कि नहीं, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। सो इफ ए सब्सट्रेट इज एडेड टू ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, अगर इसी ग्रोथ मीडियम में बैक्टीरिया को आप कुछ सब्सट्रेट एड कर दोगे तो वो क्या करेगा, वहां पे ए सेट ऑफ जीन इज स्विच ऑन, उसका अंदर जो जीन है बैक्टीरिया के अंदर
वो स्विच ऑन हो जाएगा और वो अपने अंदर काम करना शुरू कर देगा। सभी को समझ में आया? अभी मान लीजिए रितिका जी आप घर में हो, अब आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपको डेली 1 किलो का चिकन चाहिए, 1 ग्लास दूध चाहिए, 2 किलो की मटन चाहिए, है ना? तब आप क्या करोगे? डेली खाओगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करोगे। मान लीजिए आपको वहां पे कुछ ना दिया जाए, आपको कोई खाना नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे बेटा? आपका सिस्टम जो है, आपके अंदर जो जीन है, जो सेटअप जीन है, वो क्या करेगा? स्विच ऑफ हो जाएगा कि नहीं? वो काम करेगा? वो एक्सप्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना? तो यहाँ पे ऐसा है बैक्टीरिया के केसेस में, अगर बैक्टीरिया को आप ग्रोथ करवा रहे हो, वहां पे कोई सब्सट्रेट अगर ऐड कर रहे हो मीडियम में, तो वहां पे वो सेटअप जीन जो है बैक्टीरिया के भीतर वो स्विच ऑन हो जाएगा और मेटाबोलाइज करने लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ताकि बैक्टीरिया अपना डेवलपमेंट कर सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्शन। और इसका उल्टा अगर हो गया तो उसको क्या कहेंगे? रिप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिप्रेशन। दो चीज मदद रखेगा। अगर स्विच ऑफ हो गया, अगर बैक्टीरिया को वहां पे नहीं मिला कुछ खाना पीना, कोई सब्सट्रेट नहीं मिला, तो वहां पे बैक्टीरिया जो है अपना प्रोडक्ट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, तो वहां पे क्या होगा? उसका जो जीन है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रिप्रेशन। क्या कहते हैं? रिप्रेशन। तो अभी देखेंगे आपकी टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ऑपेरेंट कंसेप्ट। ऑपेरेंट कंसेप्ट अभी तक कौन कौन नहीं समझे? और मैं पढ़ाने के बाद समझे कि नहीं बोलना? करिश्मा, अमीषा, चिंकी, दिव्या, दिव्यांशी, गायत्री, ऋतिक, प्रतीक, राजेश्वरी, ऋतिका, ये कल्याणी, विष्णुप्रिया, ये सब कहाँ जाते हैं? और बाद में बोलेंगे कि हमारा सिलेबस ना कंप्लीट हुआ, हमें पढ़ाई ना हुआ, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा फिर नहीं है भाई। आपका कोर्स कंप्लीट करने का हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्लास अटेंड करने का आप लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक भी क्लास मिस होता है तो सोच लो कितना बड़ा चीज आप मिस कर देंगे। क्या होता है ना, खुद कितना भी पढ़ लो बेटा, अगर मास्टर जो पढ़ा रहा है उसको अगर ध्यान से अगर 1-2 बार आप समझ लेते हो तो वो खुद पढ़ने में क्या होता है, समझने में आसान हो जाता है। और अगर मास्टर पढ़ाने वाला नहीं पढ़े हुए होंगे, डायरेक्टली खुद पढ़ते रहिएगा, तुरंत नहीं समझ पाइए, लेकिन लेक्चर से अगर कुछ सुने हो, सीखे हो, तो आपको समझने में क्या होता है बेटा, आसान हो जाता है। Is it clear what I'm talking to you? यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट नवोदय क्लासेस की मतलब शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, आपको जो नोट्स भेजा जा रहा है, जो क्वेश्चंस भेजा जा रहा है, जो मॉक टेस्ट है वगैरह LN या NTA का, वो सारा जो सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा है ना बेटा, जो सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा है वो देखिएगा, उसका कल रिजल्ट आने से उसका पता चल जाएगा कि यार मैंने खास मेहनत किया था, आज मैंने रिजल्ट मिला मुझे। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए मेहनत कर लो। जिंदगी में बार बार समय नहीं आता मेहनत करने का, भगवान एक बार मौका देता है आदमी को मेहनत करने के लिए और जिंदगी में कुछ पाके बनने के लिए। बोला जाता है ना, अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना सीखो। क्या है? जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना सीखो। और जिंदगी में अगर ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो तो क्या करो, कुछ बन के दिखाओ। जिंदगी को ऐसा जियो कि साला जिंदगी को भी मतलब अफसोस ना होने लगे कि खास यार इन्होंने ऐसा जिंदगी जिया, इसको फिर से लेके मैं आऊंगा इसी धरती पे, क्योंकि इन्होंने कितना मस्त की जिंदगी जी रखा है, यही सोच होना चाहिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट और टॉपिक ऑपेरेंट कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑपेरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अरे क्या पढ़ेंगे? ऑपेरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।
तो बेटा मुझे पहले बता दो अपहरण कंसेप्ट में क्या क्या होता। यहाँ पे बेटा एक आई जीन होता है, उसको क्या कहते हैं? रेगुलेटरी। अरे क्या कहते हैं? रेगुलेटरी जीन। दूसरा क्या होता है? पी होता है, पी फॉर पोटैटो। क्या है? पी फॉर पोटैटो। अरे बोलो रे, प्रमोटर। प्रमोटर पोटैटो नहीं, प्रोमोटर होता है। प्रमोटर। और ओ फॉर ऑपरेटर। क्या होता है? ऑपरेटर। ऑपरेटर। और लेक जेड मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या गैलेक्टोसाइडेज? लेक वाई मतलब परमिएज। परमिएज। और लेक ए मतलब ट्रांस एसिटिलेज। क्या है? ट्रांस एसिटिलेज। तो चले, the gene regulating a metabolic reaction constitute an operant concept. So can you tell me who give the term of operant concept? Who is the bap of operant concept? Are bolo re KM sir bolke. Main operant concept ka bap nahi hu kya? Main to padha raha hu to main hi bap ban sakta hu na. अरे के माखनतुन पोतला जेकॉप और मोनार्ड कौन है? जेकॉप और मोनार्ड। जेकॉप और मोनार्ड दोनों क्या है? ऑपेरन कंसेप्ट को डिस्कवर किया थे। लेक ऑपेरन, लेक मतलब लैक्टोज, ऑपेरन मतलब सिस्टम। लैक्टोज का एक सिस्टम में क्या काम है बैक्टीरिया में, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो देख लो इसकी बाप को, सब सब देख लो लेक ऑपेरन की बाप कौन है। अरे दिख रहा है भाई? यस सर। जेकॉप और मोनार्ड। जेकॉप और मोनार्ड, फ्रांसोइस जेकॉप और जेक्यू मोनार्ड। नाम भी है रे बाबू रे, ये तो अविनाश महांति का हम शकल लग रहा है और अनंतो का हम शकल लग रहा है। तो लेक ऑपेरन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लेक ऑपेरन में लैक्टोज काम करता है, अपना एक्टिविटी को प्रदर्शन करता है। देखिए चलिए, तो ये डायग्राम अच्छे से देख लो। अरे सभी को दिखो थे को कि ना दिखो? चलो ये एनसीईआरटी की आपकी डायग्राम। अब लेक ऑपेरन में क्या क्या होता है आप देख लो। ये डायग्राम आपको, अरे मैंने आपको ग्रुप में भेजा था, एक पेज ऐसा भेजा था जिसमें कि सारा एनसीईआरटी का पूरा 11.12 पूरा सारा एनसीईआरटी का उसमें डायग्राम है और लेबलिंग है। वो वाला मिला था कि नहीं सबको? मिला था। वो सारा डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको 15 से 20 डायग्राम मिल जाएगा एंट्रेंस में। तो बेटा चलो डायग्राम को अच्छे से देख लो। पी आई पी ओ जेड वाई ए, पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ज्यादा ज्यादा करके क्या खाया? एप्पल खाया रे भाई, याद रखना। क्या है? पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ज्यादातर क्या किया? क्या किया? एप्पल खाया। एप्पल खाया। तो याद कर लो, पुलिस इंस्पेक्टर, पी प्रोमोटर, आई रेगुलेटरी, प्रेग्नेंट वुमेन, फिर प्रोमोटर, वुमेन, ओ फॉर ओ सोच लो ऑपरेटर, फिर ज्यादा जेड क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ज्यादा एप्पल खाया। सोच लो वाई मतलब परमिएज एपर ट्रांस एसिटिलेज। ठीक है, तो आप देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रोमोटर इनहिबिटरी जीन ऑपरेटर है सबका। तो रेगुलेटरी जीन और इनहिबिटर जीन कहते हैं आई को। इसका काम क्या होता है बेटा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाना। अरे क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन। आप बोलो जोर से, बोलो
रेगुलेटरी जीन और इनहिबिटरी जीन का काम क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाना. क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाना. कितना स्ट्रक्चरल जीन होता है यहाँ पे? 3 स्ट्रक्चरल जीन होता है. क्या होता है? 3 स्ट्रक्चरल जीन. क्या क्या होते हैं? जेड जीन, वाई जीन और ए जीन होते हैं. क्या क्या? जीन, वाई जीन, ए जीन. और एक क्या होता है आपका? ऑपरेटर जीन होता है. क्या होता है? ऑपरेटर जीन होता है. वेरी गुड. इतना समझ में आया ना? हाँ सर. अब सबका फंक्शन थोड़ा देख लीजिए, ठीक है? अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेड जीन? जेड जीन बेटा किसको कोड करेगा मेडिकल के व्यू में? बीटा गैलेक्टोसाइड. बीटा गैलेक्टोसाइड को क्यों कोड किया? अरे जेड जीन का बीबी है बीटा गैलेक्टोसाइड, इसीलिए उसको कोड किया, ठीक है? इसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइड क्या है? जेड जीन का बीबी है. तो अब बीबी है, दोनों शादीशुदा हो गए, दोनों एक साथ रहने लगे, तो अब क्या होगा बेटा? प्रेग्नेंट होके क्या बच्चा होना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या होगा? जेड जीन कोड किया बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, तो हाइड्रोलाइज करके लेक्टोज से क्या बनाया? गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाया. क्या बनाया? गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाया. गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. दूसरा क्या है? वाई जीन. वाई जीन का काम क्या है? किसको कोड करेगा? परमिएज को. इसका काम क्या है? इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज और लेक्टोज. ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज. मतलब ये एनवायरनमेंट से लेक्टोज का परमेबिलिटी जो है उसको बढ़ाएगा, ताकि लेक्टोज को अवेलेबल करने में सक्षम हो सके. ताकि इसका काम होता है एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द से लेक्टोज को लेके आना और बैक्टीरिया के पास पहुंचाना, ठीक है? अब ए जीन का काम क्या है? ए जीन कोड फॉर ट्रांस एसिटिलेज. अरे सभी को समझ में आया? यस सर. हाँ सर. अब देखो भाई, अब दो सिस्टम होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे काम करेगा यहाँ बैक्टीरिया में, लेक ऑपरन में. तो दो सिस्टम होता है, याद रखिएगा. वन इज द इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. इंड्यूसर क्या होता है बेटा? लैक्टोज होता है. क्या होता है? लैक्टोज. हमेशा याद रखिएगा, मेडिकल की सवाल. सो लैक अपेरेंस सिस्टम में दो सिस्टम होता है, एक स्विच ऑफ सिस्टम होता है, दूसरा होता है स्विच ऑन सिस्टम. तो बेटा स्विच ऑन सिस्टम, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा रे? स्विच ऑफ होगा. क्या होगा? देखो, स्विच ऑफ. क्लियर भाई? आप घर में हो, अगर करंट नहीं होगा तो आपका फैन लाइट आप चालू करने से भी चलेगा क्या? स्विच ऑफ सिस्टम हो गया कि नहीं? अगर करंट रहेगा तो आप फैन स्विच लाइट चालू कीजिएगा तो स्विच ऑन होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? वेरी गुड. तो इन द, देखो अब कंसेप्ट ध्यान से सुनिए, मैं दो बार बोलूंगा नहीं, एक बार में समझ लेना. इतना मुझे होप है कि आप लोग एक बार गेम सर बोले तो समझ गए. तो देखो, पहला मेथड स्विच ऑफ सिस्टम. स्विच ऑफ सिस्टम मतलब हमेशा याद रखिएगा कि एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इन बैक्टीरिया. ऑल ऑफ यू क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? यस और नो? यस सर. क्या है बेटा? इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और लैक्टोज की एब्सेंस में अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं होगा तो क्या करेगा बेटा? लैक्टोज को इंड्यूसर का हिसाब से रिप्रेसर प्रोटीन के पास, ये रिप्रेसर प्रोटीन के पास जो है नहीं भेज पाएगा. आपका यहाँ पे जो रेगुलेटरी जीन है और जो इनहिबिटर जीन है, इसका काम है क्या बेटा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाना. क्या काम करता है? रिप्रेसर प्रोटीन. अब बेटा मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर है और इसी कंटेनर में मान लीजिए बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं. क्या ग्रोथ कर रहे हैं बेटा? बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है?
अब बैक्टीरिया को एनवायरमेंट में एनवायरमेंट से क्या चाहिए बेटा, लैक्टोज चाहिए। क्या चाहिए रे? लैक्टोज चाहिए। मान लीजिए बैक्टीरिया के पास लैक्टोज है नहीं, क्या है? लैक्टोज नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ लैक्टोज बेटा। स्विच ऑफ सिस्टम कब होते हैं? एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो जब एब्सेंस होगा, लैक्टोज नहीं होगा यहाँ पे, तो क्या होगा? जो रेगुलेटरी जिन रिप्रेसर प्रोटीन को बनाया है, ये रिप्रेसर प्रोटीन डायरेक्टली गोइंग टू प्रोमोटर साइट। कौन सी साइट में जाएगा? प्रोमोटर साइट में, और प्रोमोटर साइट में बाइंड कर जाएगा। क्या करेगा? प्रोमोटर साइट में बाइंड कर जाएगा। जब प्रोमोटर साइट में बाइंड कर जाएगा तो बेटा यहां से आरएनए पॉलीमराइज़ एंजाइम आएगा। आरएनए पॉलीमराइज़ एंजाइम का काम होता है कि प्रोमोटर साइट में बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है, इनिशिएट करता है। सभी को पता है कि नहीं रे? यस और नो? यस सर। तो बेटा जब मैंने देखो, अब ध्यान से देखो, तो आरएनए पॉलीमराइज़ का काम होता है प्रोमोटर साइट में बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन करेगा स्ट्रक्चरल जीन को कोड करके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ये लैक्टोज को इंड्यूसर का हिसाब से नहीं भेज पाएगा रिप्रेसर प्रोटीन के पास। तो रिप्रेसर प्रोटीन को पकड़ने वाला आदमी कोई नहीं है। अब रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करने वाला आदमी कोई नहीं है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन अब क्या करेगा? इजीली प्रोमोटर साइट में चले जाएगा और प्रोमोटर साइट में बाइंड कर जाएगा। जब प्रोमोटर साइट में बाइंड कर जाएगा तो आरएनए पॉलीमराइज अब प्रोमोटर साइट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। जब आरएनए पॉलीमराइज प्रोमोटर साइट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा तब क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन को कोट करके एमआरएनए बना नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ। क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ। एक सेकेंड। हाँ हेलो, हाँ नमस्कार। क्लास क्लास में तो कने और 5 मिनट फोन करू छ क्या बोलते लोग? ठीक अच्छे 5 मिनट। तो बेटा सबको स्विच ऑफ सिस्टम क्लियर हुआ? आप पढ़ लेना इन नोट्स वगैरह, जिसको स्क्रीनशॉट करना है ले लो। मैं नोट्स इसीलिए नहीं लिखा रहा हूँ कि आपको तो नोट्स भेजा जा रहा है, आपको तो पीपीटी दिया जा रहा है, और क्या नोट्स आपको फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे लिखो? दैट इज द टाइम वेस्ट है। एक क्रेस कोर्स का प्रोसीजर नहीं है कि यहाँ से आप ऐसे वो बच्चे जैसा नोट छापते रहो। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बस बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करो, और ये सब पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरी है नहीं। बस यहाँ पे याद रखना, नो लैक्टोज नो इंड्यूसर लैक ऑपेरन रिमेन स्विच ऑफ, बस इतना याद रखो, काम खत्म। क्लियर? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब दूसरा क्या है? स्विच ऑन सिस्टम। क्या है? स्विच ऑन सिस्टम। स्विच ऑन, स्विच ऑन सिस्टम में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एजेंट। तो देखो लैक ऑपेरन कांसेप्ट स्विच ऑन सिस्टम कैसे होगा।